नमस्कार, माई सेल्फ अभिषेक कुमार। आज हम समझेंगे कि E20 क्या है। E20 क्या है? आज भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है अनसर्टेन क्लाइमेट चेंज है। क्या होता है अनसर्टेन क्लाइमेट चेंज? बल्कि भारत की नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी समस्या है। आप देखेंगे कि जब खरीफ का मौसम आता है या रबी का जब मौसम आता है, तो जिस समय पर पानी होने की होना चाहिए उस समय पर होता नहीं है, जिस समय पे पानी नहीं होना चाहिए उस समय पे पानी होता है। तो इससे सबसे बड़ी इससे जो है किसानों को या फिर लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसके वजह से होता है? वो होता है गैसेस की वजह से। कौन सी गैसेस? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है। जो कि ग्रीन हाउस गैसेस बहुत अधिक मात्रा में जब बढ़ जाती है, बढ़ने से टेम्परेचर और हमारे क्लाइमेट में सबसे बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो इसी को देखते हुए भारत सरकार ने कई सारी ऐसी योजनाएं चला रही है जिससे ये जो समस्या है, जो कि फ्यूचर इससे हमारे काफ़ी लॉस में जाएगा, तो इसके लिए ये आपकी एक E20 आपकी मॉडल चला गई, जिसमें E20 क्या होता है? 80+ पेट्रोल + 20+ इथेनॉल, है ना। मतलब 80+ पेट्रोल और 20+ इथेनॉल अगर आप किसी भी पेट्रोल इंजन में फुलफिल करेंगे तो फिर गाड़ी रन करेगी। क्यों चला रही है इथेनॉल? क्यों इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि इथेनॉल के प्रोडक्शन से अगर हम इथेनॉल का यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये 35% तक कम हो जाती है। इसलिए सरकार जो है आपका E20 मॉडल लाई हुई है। जितने भी बाइक्स आज आप देखेंगे पेट्रोल इंजन की, जितनी भी बाइक्स है उसमें सभी में जो है E20 मॉडल पे आ रही है। साथ ही साथ कुछ ऐसे डीजल जो E20 है, ये डीजल इंजन पे बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन पे वर्क करता है। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी, जैसे टाटा है, ह्युंडई है, ये सारी कंपनीज अपने फोर व्हील्स जो पेट्रोल इंजन की आपकी कार है, जैसे कि 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन की कार है, 1.8 लीटर पेट्रोल इंजन की कार है, इसमें जो है इथेनॉल का यूज़ किया जा रहा है, है ना, जिससे हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो कम हो सके। क्या है बेनिफिट्स E20 जो आपकी इथेनॉल है, इथेनॉल है ना, जो कि फ्लैक्स फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला डिक्रीज पॉल्यूशन करेगा, पॉल्यूशन को सबसे पहला डिक्रीज करता है। सबसे बड़ी समस्या जो है वो है पॉल्यूशन ही है, क्योंकि इससे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है। आप देखेंगे कि गर्मी के समय पे आज हमारा टेम्परेचर कितना हाई हो जाता है, 40 से 45 से 47 डिग्री के बीच में जो है टेम्परेचर रहता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। तो इथेनॉल से कैसे परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी, कैसे आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी? इथेनॉल जो है एक लुब्रिकेट का काम भी करता है इंजन में एक लुब्रिकेट का काम करता है। इथेनॉल से इंजन की जो आपकी कैपेसिटी है, जो चलने की क्षमता है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन इसकी टॉर्क कम होती है। पेट्रोल इंजन से सिर्फ और सिर्फ गाड़ी अगर आप पेट्रोल इंजन से हम चलाते हैं, तो जितनी टॉर्क वो पेट्रोल इंजन जनरेट कर पाती है, उतनी टॉर्क जो है ये इथेनॉल वाली बाइक्स नहीं कर पाती है, अगर हम इसमें इथेनॉल का यूज़ करके हम बाइक्स को चला रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि जो E20 मॉडल है ये काफ़ी हमारे लिए बेनिफिट है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिट है, और साथ ही साथ जो है बाहरी मुद्रा जो आपकी सेविंग ऑफ इंडियन करेंसी, बाहर से भारत सरकार जो है जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इस ये सारी चीज़ें, ये सारी ईंधन पे काफ़ी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है। साथ ही साथ क्या होता है, ये जो हमारे जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इससे सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन होता है। तो इसको धीरे धीरे कम करने के लिए इस तरीके के मॉडल्स आते हैं। इससे पहले डीजल इंजन में भी रतन ज्योत का प्रयोग किया गया था, जो कि बायोफ्यूल के नाम से हम जानते हैं। तो और इसमें क्या चीज़ें हैं, जैसे हाई ऑक्टेन रेटिंग है इसका, है ना, इसकी जो क्षमता है काफ़ी बढ़ जाती है। यूटिलाइजेशन ऑफ बायोमास, सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि यूटिलाइजेशन ऑफ बायोमास कैसे होता है। एग्रीकल्चर के जो बायोमास है, एग्रीकल्चर से जैसे कि आपकी गन्ना, जितने भी स्टार्च वाले आपके क्रॉप्स है, गन्ना में है, मक्का है, तो ये सारे स्टार्च वाले क्रॉप से ही इथेनॉल बनता है। तो जैसे आप देखेंगे कि गन्ना जब जब आप चीनी मिल में देखेंगे, शुगर फैक्ट्री में, शुगर बनने के बाद जो उसका बायोमास बच जाता है, उसका यूटिलाइजेशन से ही जो है इथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है, उसका यूटिलाइजेशन से। तो बायोमास का भी यूज़ हो रहा है, सस्ते दाम पर हमको इथेनॉल भी मिल रहा है, इससे हमारी बाइक रन हो रही है। साथ ही साथ
जो है आपका पॉल्यूशन भी कम हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस भी कम हो रही है, मतलब ये बहुत ही अच्छी चीज है। इसका यूज जो है आने वाले समय पे ऐसा भी होगा कि और भी ज्यादा इसको इम्प्रूव किया जाएगा। और भारत सरकार ने कई सारे प्रोग्राम, भारत सरकार ने इसको प्रमोट करते हुए एक योजना भी बनाई है, EBP इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। इसका पर्पस क्या है कि 2025 तक भारत के हर स्टेट के हर पेट्रोल पंप तक जो है ये E20 इथेनॉल वाली जो फ्लैक्स फ्यूल है वो हर आपकी टैंक्स में ये अवेलेबल होगी, जिससे जो है पूरे सभी लोगों को, पूरे स्टेट के लोगों को, पूरे इंडिया के लोगों को इससे बेनिफिट होगा। और साथ ही साथ हमारी पॉल्यूशन डिक्रीज होगी, साथ ही साथ हमारा इनकम है जो हम यूटिलाइजेशन करते हैं, जिसमें हम पेट्रोल उसमें करते हैं, यातायात में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, पैसा भी कम होगा और आपकी इंजन की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। जैसे आप देखेंगे कि दिल्ली NCR में जो पेट्रोल इंजन है उसका सिर्फ और सिर्फ 10 साल तक है। दिल्ली NCR में हम जब जाते हैं तो पेट्रोल सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन की जितनी बाइक्स या जितनी भी कार्स है वो सिर्फ सिर्फ 10 साल तक चल सकती है। क्यों है, क्यों चल सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है वहाँ पे। तो ये सब कर देखते हुए E20